इसे कहते हैं प्रॉपर शेड्यूल। जिग का पीछा करना और खुद की फोटोग्राफी करना, दोनों एक साथ। डन 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 डन। अब मैं इनकी फिल्म बनाती हूँ। अरे ये क्या, जिग तो खुद भी गिरा और सिलाई का पिज्जा भी गिरा दिया। मजेदार है। मैडम जी हंस क्यों रही है? और जिग ये कौन सा तरीका है पिज्जा खाने का? मेरी हालत पर सबको बहुत हंसी आ रही है ना? अपना पिज्जा रखो अपने पास, मुझे नहीं खेलना तुम्हारे साथ। जितना हंसना है हंस लो, लेकिन ये मत भूलना कि हर किसी के दिन आते हैं यार। क्योंकि मैं ये MMS मेरे दोस्त को भेजती हूँ, ये फनी वीडियो देख के सबको मजा आएगा। सर्किट में आ गया। ये क्यों हंसा? जब तेरा कॉमेडी वीडियो पूरी दुनिया में फैल चुका है। बोला तो मेरा तो हंसस का पेट भर जाएगा भाई। मरीना ये तुम्हें ठीक, सब ने लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लिया है क्या यार? शहर को किसी का मजाक बनाना अच्छा नहीं होता, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और जिग दंगल में हिस्सा ले रहा है क्या? शहर को मैं तुम्हें राजधानी थाली समझता था, लेकिन तुम तो ढाबे की थाली निकले यार। मेरा फनी वीडियो बना के सबको भेज रहे हो क्यों? ओए बकवास बंद कर, तेरी हवा निकालने के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये ले निकाल दिया, शहर को तुम्हें देख लूंगा यार। ज्यादा मत हंसो, दांतों में मोच आ जाएगी। चलो जिग एक सेल्फी हो जाए। वाओ शार्को, इतने सारे लाइक्स। देखो शार्को, जिग को कितने लाइक्स मिले हैं। ऐसे कहते हैं, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। बोले तो आप दुनिया का फेमस कॉमेडी एक्टर बन चुके हो भाई, इसीलिए आपको रोज परफ्यूम लगाना और साल में एक बार नहाना होगा भाई। कल तक सब जैसे फूल समझते थे, आज उस पर फूल बरसा रहे हैं। ज्यादा हिलना डुलना नहीं भाई, वरना मेरा बैलेंस बिगड़ जाएगा। हाय फ्रेंड्स, इतना प्यार बरसाने के लिए शुक्रिया। ओ मरीना, नहीं मिलेगा मुझे चैन तुम्हें खाए बिना यार, लेकिन पहले जरा वार्म अप तो कर लूं। अब मैं बिल्कुल तैयार हो गया हूँ यार। करने जा रहा है मरीना का शिकार, उसका कॉमेडी वीडियो बनाने के लिए ऑडियंस भी है तैयार। और बिना बेसन के पकौड़े, तेरा टॉप फ्लोर खाली हो गया है क्या? जिग की गिरी हुई हरकत सबको पसंद आई। मैं 0 नंबर 1, अपनी कॉमेडी से जीत लेता हूँ सबका मन। इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, करम मेहरबानी। भाई तुम तो सुपर हिट भंगार स्टार बन गए भाई। थैंक यू सर्किट, अब मैं वर्ल्ड फेमस हो जाऊंगा यार। लगता है इसके कैरेक्टर की तरह इसके दिमाग का पेच भी ढीला हो गया है। जो जितना ज्यादा ऊपर उड़ता है वो उतनी ही तेजी से नीचे भी आता है। हाय मरीना, मेरा स्टंट देखो ना, देखो मैं फिर से गिर गया हूँ। जग, अब तेरी कॉमेडी में किसी को इंटरेस्ट नहीं रहा। कोई भी चीज हद से ज्यादा हो जाती है तो लोग उसे अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। मैडम जी, ये गुलाब का फूल आपके लिए। मरीना मैं आ रहा हूँ यार। क्योंकि इसका नाम जिग नहीं गर पड़े होना चाहिए था। देखो मुझे लग गया दोस्तों, अब तो हंसो। जिग ये सब तेरी बेवकूफी देखकर हैरान है, मजबूरी में हंस रहे है। हाय मरीना, इसको रहते मुझे नहीं खेलना, लेकिन मुझे है तुम्हें खाना। जिग बंद कर, बंद कर ओवर एक्टिंग। जिग सब कुछ करना, लेकिन दोबारा सीरियस कॉमेडी मत करना। चलो बाहर खेलती हूँ। इस बार सब जरूर हंसेंगे यार। ये फिर से बोर करने लगा। मरीना प्लीज
मुझे देख के हंसो ना यार, लगता है इसे हंसाने के लिए मुझे कुछ तूफानी करना पड़ेगा यार। जग, तेरी इस कुर्बानी का किसी पर कोई असर नहीं पड़ने वाला सिवाय पहाड़ के। अब तो मैंने अपनी बत्ती सी भी तुड़वा ली है सोना। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? इन सबको आखिर हो क्या गया है? मेरा वीडियो सबने डिसलाइक कर दिया। जग, अपने आंसुओं की नदी को बहने से रोक ले। भाई की आंखों में आंसू मुझसे देखे नहीं जा रहे हैं। मरीना और शार्को ने इन्हें चने के पेड़ पर चढ़ाकर ऐसा गिरा दिया कि भाई खुद की नजर से ही गिर गया। बोले तो भाई हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, ठीक है भाई? तूने सही कहा सर्किट, मैं अपने आंसू जाया नहीं जाने दूंगा। भाई हम दोनों मिलकर इन्हें सबक सिखाएंगे। शार्को, मैं मरीना को खाने जा रहा हूँ। और मत कर यार, ठीक है तो मैं जा रहा हूँ। फेमस होने के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं। शार्को के बिल्डर दिमाग में खतरे का सायरन बजा। मैडम जी को बचाना होगा। मैडम जी, मैं आ रहा हूँ। मरीना को खाने की सारी तैयारी हो गई है यार। बोले तो काली मिर्च भी छिड़क दिया भाई। अब आएगा मजा। और तुझे मिलेगी सजा। यही तो मेरी चाल थी, तुझे मेरे पीछे दौड़ाने के लिए यार। ओए बचाओ, मैं फिसल रहा हूँ। लगता है हर फेमस कैरेक्टर के पीछे सी लायन का हाथ है। वाह, क्या मेकअप है। अच्छा लग रहे हो शार्को, अब ये वीडियो बच्चा बच्चा देखेगा। शार्को, तेरा वीडियो तो वर्ल्ड फेमस हो गया। दुनिया के कोने कोने से तुझे बहुत सारे लाइक्स मिलेंगे। अच्छा है। आज संडे है, थैंक गॉड। संडे हो या मंडे, आज तेरे सर पे पड़ेंगे डंडे। भाई बोलो तो आज का प्लान क्या है? Hey, come on, सर्किट, पहले ये बता कैसे लगा तुझे मेरा स्प्रिंग? बोले तो ऊंट की सवारी। मान गए पजामा छाप साइंटिस्ट, सांप को कर दिया ट्विस्ट। अच्छा है। मरीना, तुझे खाने से मैं थकूंगा कभी ना। तूने स्प्रिंग बनाई है ना? मैंने पेंटिंग बनाई है। अरे ये जिग है या पियानो? अच्छा है। भाई टेंशन मत लो। अरे भाई बोले तो खाली केबिन। क्या कहा, किधर है? लगता है इसे शेर खा गया। अब ये सारी चीजें अपनी है। भाई बोले तो फ्री का म्यूजिक, डांस करो भाई, टेंशन मत लो। पहले ये बता कि कैसा लग रहा हूँ मैं? बोले तो एकदम छोटे नवाब। भाई जल्दी इधर आओ, इधर आओ। ये देखो लड़की का पुतला। भाई बोले तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। आइडिया, चल मेरे साथ। मैडम जी, मैं आपके लिए। दाल में कुछ काला है, लेकिन दाल कौन सी है याद नहीं आ रही। कौन सी दाल छोड़, पूरी दाल ही काली है। जल्दी कर वरना सिक उसे लेकर हो जाएगा रफू चक्कर। कोई बात नहीं, वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। अब लगाऊंगा सही निशाना। ए, किस फ्लैट का है ये? निकल निकल, देखना पड़ेगा। देख, मरीना को जा भूल, नहीं तो कहलाएगी यही सबसे बड़ी भूल। ये तो ऐसे लग रहा जैसे वीडियो गेम खेल रहा हूँ। तुम्हें बैठना था।
बोलो तो पलटी पुतली मैडम, टेंशन मत लो। ठीक से चला सर्किट, वो लड़की का पुतला है, कोई क्रेन न है। हाँ ऐसे, अब उसे जंगल में लेके जाओ। अच्छा है। अब आएगा मजा। चलो इस तरफ चलते हैं। आइडिया फेल हो गया। क्या बात है, ये लोग गिरे नहीं, ये तो पत्थर हो चुका है। ये मेरे साथ ही क्यों होता है यार। फंदे में लटकाऊंगा और तंदूर में पकाऊंगा और उसे मजे से खाऊंगा। एकदम तैयार हूं मैं। लगता है आ गई। उसे खाने में कितना मजा आएगा। रस्सी खींचता हूँ, जल्दी जाकर देखना होगा। एकाई, लगता है रॉन्ग नंबर लग गया। हे गोरिल्ला, हाउ आर यू? वो तो ठीक है, लेकिन तू ठीक नहीं रहेगा। तंदूर में पकाने वाले, दिमाग का इलाज करवा ले। अच्छा होगा। ये तो मेरी मम्मी की फोटो लग रही है। अरे कट जा, कट जा, कट जा, कट जा, कट गई। बहुत जोर से लगी। ये कौन है? मरीना, ऊपर वाला देता है तो छत पर फाड़ के देता है। और अब मैं तुझे फाड़ दूंगा। रुक जा। अरे चौथा का है, आज तू नहीं बचेगा। आप कीजिए, मुझे आपके पैर चाहिए, जरूरी है। बोले तो नो टेंशन, ले के आओ। शार्कों को पैर मिल गए, जिक को मरीना। लगता है जिक का सपना पूरा हो जाएगा, लेकिन मरीना अपने सपने में खो गई है। उसे मम्मी की याद आ रही है। मम्मी की याद तो मुझे भी आ रही है। मम्मी। हाँ, ये तो मैं हूँ। ये तू ही है जो मेरे पेट में होगी। सुन ले, मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता। आखिर तू भाग कर जाएगा कहाँ? मैं तेरा पीछा जिंदगी भर नहीं छोड़ूंगा। ओए रुक जा। जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है, एक दिन उसमें खुद ही गिरता है। थैंक यू शार्को। क्या हुआ मैडम जी? तो वो लड़की तुम थे? लड़की? अगर मैडम जी को बता दिया तो मैडम जी बहुत दुखी हो जाएंगी। क्या करूं, क्या करूं? मैडम जी, वो लड़की मैं ही था। कितने क्यूट लग रहे थे मैडम जी। बाहर निकल के रहूंगा, लेकिन थक गया यार। एक्सक्यूज मी, अब यहाँ कौन है यार? मैं तेरी थकान मिटा देता हूँ। तुझे आज बहुत मार खा रहा है कपटी। सर्किट को नया खिलौना मिल गया है। अब यह बोर नहीं होगा, टेंशन भी नहीं लेगा। वो तो पहले भी नहीं लेता था। और मरीना को मम्मी की फोटो मिल गई, यह भी अच्छा है। और शार्को का क्या? मरीना के दिल में शार्को के लिए और थोड़ी जगह बन गई। इसे कहते हैं ऑल इज वेल।